हेलो फ्रेंड्स, द सरताज किचन में आपका स्वागत है। मिठाई बनानी हो, गुजिया बनानी हो या पेड़े बनाने हो, खोआ तो हमें चाहिए ही होता है, पर कई बार मार्केट में अच्छा खोआ नहीं मिल पाता है। तो आज हम घर में ही बनाएंगे एकदम मार्केट जैसा खोआ, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। इस खोए को बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और ख़र्चा भी बहुत कम आता है। इस खोए में बहुत देर दूध उबालना या दूध को गाढ़ा करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, मात्र 5 मिनट में बन जाता है ये। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। खोए को बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, उसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। अगर आप देसी घी नहीं डालना चाहते हैं तो बटर डालिए, पर वो अनसॉल्टेड बटर होना चाहिए। तो यहाँ पे घी को मेल्ट होने देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप दूध। दूध आप कोई भी ले सकते हैं, गाय का, भैंस का, कोई दिक्कत नहीं। गैस को यहाँ पे बिल्कुल धीमा रखेंगे और इसे थोड़ा सा चला लेंगे ताकि घी अच्छे से मेल्ट हो जाए। इसमें हमने उबला हुआ दूध डाला है। अगर आप कच्चा दूध डाल रहे हैं तो पहले दूध को अच्छे से उबाल लें, उसके बाद ही इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। तो देखिए घी मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसे कंटिन्यू चलाते रहिए। गैस की आंच बिल्कुल धीमी इस वक्त कर देनी है। तेज आंच करेंगे तो ये तेज़ी से ड्राई हो जाएगा और पकेगा नहीं, तो हमें धीमी आंच पे ही अब इसे पकाना है। मिल्क पाउडर डालते ही ये तेज़ी से सूखने लगता है, तो ध्यान रहे इसको हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं पड़ने चाहिए और इसे तब तक चलाना है जब तक ये एक सार ना हो जाए और इसके चारों तरफ से ऑयल रिलीज ना होने लगे। मिल्क पाउडर से खोआ बहुत जल्दी बन जाता है। इसमें ना तो आपको बहुत देर गैस के पास खड़ा होना पड़ता है और ना ही दूध उबालना पड़ता है बहुत देर। तो ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया है और इसके चारों तरफ से ऑयल भी निकल आया है, हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। तो इसी स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे। इसे अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो इसमें चीनी नहीं डालेंगे, लेकिन अगर आपको इसी समय ही कोई मिठाई बनानी है या गुजिया बनानी है तो आप इसे निकाल के उसी समय ही इसमें चीनी डाल सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितनी आसानी से और कितनी जल्दी खोआ बन गया है। सिर्फ 5 मिनट में मार्केट के जैसा दानेदार खोआ बनके तैयार है। इस खोए से आप गुजिया बनाइए, मालपुए बनाइए, मिठाई, पेड़े, जो भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। इसे आप फ्रिज में रख के 15 दिन तक स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।